हमारे ज़िंदगी में जब डिजीज़ आ जाता है तो हर डिजीज़ की कुछ ना कुछ तो वजह होती है, कुछ ना कुछ तो साइकोडायनामिक होता है, उसके वजह से हमारे ज़िंदगी में डिजीज़ आ जाता है। फिर वो मेंटली हो, फिजिकली हो, या मेंटली और फिजिकली हो, ये सब का साइकोडायनामिक होता ही है। वैसे ही अगर लूज मोशन की तकलीफ़ है तो उसके पीछे भी साइकोडायनामिक होता है। अगर ये लूज मोशन क्रोनिक हो जाए, लूज मोशन के साथ कॉन्स्टिपेशन आ जाए, तो ये कुछ पिक्यूलर सिम्टम हो जाता है और इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है पोडोफाइलम। पोडोफाइलम में लूज मोशन क्यों होता है, कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, क्यों इतने गैसेस हो जाते हैं, क्यों ये मरीज ठीक से कुछ डाइजेस्ट कर नहीं पाता, क्यों इसे भूख नहीं लगती, इसके पीछे डेफिनेटली साइकोडायनामिक होता है। और यही साइकोडायनामिक और इस मेडिसिन के बहुत सारे फैसेट इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। पोडोफाइलम एक ऐसा व्यक्तिमत्व जो बहुत ही चीयरफुल होता है, बहुत ही कंटेंटेड होता है, कंटेंट एंड क्वाइट होता है, बहुत ही अफेक्शनेट होता है, उसमें एफेबिलिटी होती है, ये बहुत ही चीयरफुल होता है, बहुत प्लेफुल होता है, वैसे ही हेडलेस होता है, रेवरेंस फॉर दोज अराउंड में भी है, और वैसे ही दूसरों के प्रति बहुत ही पूज्य भाव होता है, यानी वेनरेशन होता है। वैसे ही कोई भी अन्याय ये सहन नहीं कर पाता, इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट, और हमेशा सच्ची बात बताता है, ट्रूथ टेलिंग द प्लेन। वैसे ही ट्रूथ डिजायर्स ट्रूथफुलनेस, हमेशा सच्चाई की ये आशा रखता है, खुद भी उतना ही ऑनेस्ट रहता है, उतना ही सच्चा बंदा होता है, और दूसरों से भी उतनी ही सच्चाई की ये अपेक्षा रखता है। वैसे ही ये बहुत ही लुक्वेशियस होता है, बहुत ही कम्युनिकेटिव होता है, बहुत ही सोशल होता है, ये बहुत सारे गुण इस पोडोफाइलम में होते हैं, और इसी वजह से पोडोफाइलम एक बहुत ही शरीफ, सच्चाई वाला और बहुत ही वाइवेशियस, लोकेशियस, कम्युनिकेटिव, जो इजीली दूसरों के साथ घुल मिल जाने वाला ऐसा बंदा होता है। एक ऐसा बंदा जब हमारे साथ रहता है, हमारे ग्रुप में रहता है, तो हमेशा वो ग्रुप को संभाल के रहता है। ऐसा बंदा जो ग्रुप में हमेशा बहुत ही प्यारा नज़र आता है, हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता है और हर एक से वो दोस्ती करता है, क्योंकि दूसरों के साथ ये बहुत ही हार्मनी में रहता है, कभी भी दूसरों को दर्द हो जाए ऐसी बातें करता नहीं है, ऐसा बिहेव करता नहीं है, इसीलिए बहुत ही प्यारा बंदा होता है। इसमें जो हमने रूब्रिक देखा अभी, एफेबिलिटी, एफेबिलिटी यानी क्या, सिर्फ प्यार नहीं है, एफेबिलिटी यानी पूरे मन के साथ, बिल्कुल मन में खोट न रखते हुए जो प्यार किया जाता है, जो अंदर से प्यार आता है, रियल प्रेम, इसीलिए ट्रूथ जो ये बंदा रहता है, एफेबिलिटी उसे कहते हैं। और एक हमने रूब्रिक देखा कंटेंट, कंटेंट यानी समाधान, संतोष। ये कंटेंट यानी क्या होता है, कंटेंट यानी एक ऐसी अवस्था जिसमें कंप्लीटनेस है, पूर्णता है, एक ऐसी अवस्था जिसमें क्लेश बिल्कुल नहीं है, एक ऐसी अवस्था जिसमें अशांति बिल्कुल नहीं है, उस अवस्था को हम कंटेंट कहते हैं। अब ये जो कंटेंट अवस्था होती है, यानी जो समाधान होता है, ये आदमी को कब मिलता है, ये आदमी को तब मिलता है जब वो समझता है कि मेरी जो ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी में जो घटना घट रही है वो उसकी इच्छा से हो रही है, यानी उस परमेश्वर, उस चैतन्य के इच्छा से हो रही है, जो अल्टीमेट चैतन्य है, जो ब्रह्म चैतन्य है, उसकी इच्छा से हो रही है। इसीलिए जब ज़िंदगी में कब दुख आते हैं या कभी सुख आते हैं, तो ऐसे आदमी को कभी उस सुख से या दुख से फर्क पड़ता नहीं है। ऐसा जो बंदा होता है वो पोडोफाइलम की इस अवस्था में होता है। इसीलिए इसमें एक बहुत ही अच्छा रूब्रिक है, डेल्यूजन, यूनिफिकेशन विथ हायर कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस के साथ उसका एकत्रीकरण हो गया है,
इसका मिलाप हो गया है। हायर कॉन्शियसनेस यानी ही ब्रह्म चैतन्य, यानी जो इस पूरे विश्व में जो एनर्जी है, जो पवित्र एनर्जी है, उसके साथ इसका मिलाप हो गया है। जब ऐसी अवस्था इस आदमी में आ जाती है, तब उसको ये लोभ, राग यानी क्रोध, मद, मोह, मत्सर, ऐसी कुछ भी जो षड्रिपु है इसमें रहते नहीं है। इसीलिए पोडोफाइलम में ना एंगर के रूब्रिक ज़्यादा है, ना मोह के रूब्रिक है, ना क्रोध के है, ना मत्सर के है, यानी ये षड्रिपु विरहित ऐसा एक बंदा होता है। ऐसे बंदे जब आपसे मिलते हैं तब हमेशा एक आदरपूर्वक आपसे बात करते हैं, रेवरेंस फॉर दोज अराउंड, वेनरेशन, एंड द बेस्ट इज ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी यानी वो बंदा, उसको कोई भी अगर आदमी मिले, फिर वो बहुत ही अमीर हो या गरीब हो, ये उच्च जाति का हो या नीच जाति का हो, ये बहुत पढ़ा लिखित हो या अनपढ़ हो, हर एक के साथ बहुत ही आदरपूर्वक इसका व्यवहार होता है। इसीलिए कोई भी बंदा इसे मिलता है तो बहुत ही प्रसन्न होता है। ऐसा जो व्यक्तिमत्व होता है वो पोडोफाइलम होता है, जो हमेशा अपने आजू बाजू के वातावरण में हारमोनी चाहता है, और हारमोनी रखने की कोशिश ये खुद से स्टार्ट करता है। इसीलिए इसको क्वारलिंग कभी भी बर्दाश्त नहीं होती, कभी भी किसके साथ इसका झगड़ा होता नहीं है, क्योंकि इसमें ना कोई षड्रिपु है, ना कोई इच्छा है, ना कोई चाह है, और वैसे ही ना किसी के बारे में मत्सर है। इसको कुछ नहीं चाहिए, बस हार्मनी चाहिए, नेचर लव वाला बंदा है। तब आप सोचेंगे फिर ऐसा जो मरीज है इसमें डिजीज कैसे आ जाता है, क्योंकि इसमें एक रूब्रिक है और उसका एक कैरेक्टरिस्टिक, वो है हॉटी। ये जो बंदा होता है इसको बहुत ही अभिमान होता है। सेल्फ एस्टीम एक अलग बात है, हॉटी एक अलग बात है। सेल्फ एस्टीम यानी स्वाभिमान रहना, ये हर एक के लिए आवश्यक ही है, लेकिन जब अभिमान आ जाता है तब कुछ ना कुछ तो षड्रिपु या कुछ ना कुछ तो प्रज्ञापराध हो ही जाता है, और प्रज्ञापराध की वजह से डिजीज शरीर में और मन में एंटर कर देता है। इसमें रूब्रिक है पॉजिटिवनेस, हीडलेस, निग्लेक्टिंग इम्पॉर्टेंट थिंग्स। यानी ये जो मरीज होता है इसे ऐसे लगता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वही सही है, और इसीलिए मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो मत है, वो दूसरे इसका रिस्पेक्ट करें। डिजायर्स ओपिनियन टू बी रिस्पेक्टेड। जब ये इसका ओपिनियन जब आदरतापूर्वक लेते नहीं है तब इसे दुख होता है। जब ये कौन सा भी काम करता है तो उस काम में एक सच्चाई होती है, यहाँ रूब्रिक है फास्टिडियस। वैसे ही ये बहुत ही इंडस्ट्रियस बंदा होता है, हर एक जो काम करता है उसमें बहुत ही ये काम अच्छा होना चाहिए, ऐसी इसकी मनीषा होती है, और वे ऐसे करता भी है, चेकिंग ट्वाइस और मोर, हर एक काम करते समय बहुत ही केयरफुल करता है। इसमें एक बहुत ही अच्छा रूब्रिक है और वह है केयरफुल्स ऑफ बिजनेस अबाउट, यानी कोई भी काम करता है उसके प्रति ये बहुत ही केयरफुल होता है। लेकिन फिर ये पैथोलॉजी में क्यों आ जाता है, क्योंकि ये जो बंदा होता है भले वो कौन सा भी बिजनेस स्टार्ट करे, हमने देखा है कि ये इंडस्ट्रियस है, वैसे ही सोलेम होता है, बहुत गंभीरतापूर्वक वो काम करते रहता है, लेकिन एट द सेम टाइम वह इनडिफरेंस टू द बिजनेस अफेयर्स में भी है, यानी जो व्यवहारिक बातें हैं उसके प्रति वो इनडिफरेंस होता है। बिजनेस तो करता है, अच्छी तरह करता है, लेकिन बिजनेस के लिए जो टैक्ट चाहिए, बिजनेस के लिए जो इम्पॉर्टेंट बात ही चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, जिससे बिजनेस बहुत अच्छा एक मुकाम पे पहुँच सकेगा, वो बातें ये
अनदेखा कर देता है। इसीलिए एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस, दूसरे बिजनेस से तीसरा बिजनेस ये करते ही रहता है, लेकिन एक भी बिजनेस ये ठीक से कर नहीं सकता, हर एक में फेल हो जाता है, क्योंकि ये उतना ही इम्प्रोविडेंट होता है। जो भी पैसा आए, जो भी मनी आए, जो भी इसका धंधा हो जाए, वो इम्प्रोविडेंट की वजह से वो पैसे लुटा देता है। कोई भी अगर आदमी इसके पास आए कि मुझे इतने इतने पैसों की ज़रूरत है, वो देता है, क्योंकि वो उतना सिंपथेटिक होता है। दूसरों के आंसू देख के इसके मन में बहुत करुणा भाव उत्पन्न होता है, और ये तब देखता नहीं है कि ये जो बंदा पैसे मांग रहा है, इसको ज़रूरत रियली है या नहीं है, और जो भी पैसा आता है वो खर्चे करते रहता है। ऐसे तो बिजनेस होता नहीं है। तो एक के बाद एक बिजनेस इसके डूबते चले जाते हैं। फिर एक ऐसी अवस्था आती है, इसमें एक रूब्रिक है, प्रोस्टेशन ऑफ माइंड फ्रॉम बिजनेस। अब इसे प्रोस्टेशन आ गया, किससे? बिजनेस से। अब ये हार चुका है, बहुत ही अच्छा रूब्रिक है, सैडनेस मनी फ्रॉम प्रॉब्लम्स विद द मनी। ये इम्प्रोविडेंट की वजह से इसके पास पैसे रहते नहीं है, और फिर दुख होता है, निराशा होती है। तब इसको ऐसे लगता है कि ये जो वर्ल्ड है ये अनरियल है, क्योंकि ये खुद सच्चा बंदा रहता है, लेकिन जब लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं तब इसको ऐसे लगता है कि दुनिया में सच्चाई नहीं है। वो डिस्करेज हो जाता है, वो डिसकंटेंटेड हो जाता है, डिसकंटेंटेड हिमसेल्फ विद, डिसकंटेंटेड सराउंडिंग विद, डिसकंटेंटेड विद अदर्स। इसमें एक ही मेडिसिन है, दैट इज पोडोफाइलम। और फिर जब एक के बाद एक ये फेल होते रहता है, तब उसे ऐसे लगता है कि शायद मेरे भाग्य में ही ऐसे लिखा है, तो इससे परेशान होने से क्या फ़ायदा, जो मेरे भाग्य में है वही मुझे मिलेगा, उससे ज़्यादा भी नहीं मिलेगा, उससे कम भी नहीं मिलेगा। और फिर यही सोच के ये शांत हो जाता है, दैट इज़ ट्रैंक्विलिटी रिकंसल्ट टू फिट। अब इसका हम दूसरा फैसेट देखेंगे। इसमें एक रूब्रिक है, चाइल्डिश बिहेवियर, कैरेस बींग डिज़ायर टू बी कैरेस, कैरेट डिज़ायर टू बी शोल्डर ओवर। यानी ये जो बंदा होता है, इसे ऐसे लगता है कि मुझे हर कोई ऐसे प्रेम करे कि बस मुझे अपने पलकों पे ये रख दे, मुझे कोई डांटे ना, मुझे कोई सिखाए ना, ये इसे ऐसे लगते रहता है। लेकिन जब कोई इसे कुछ बोल देता है तब ये हर्ट हो जाता है। यहाँ रूब्रिक है, सेंसिटिव टू रेप्रिमाइंड्स। और फिर ये जब रेप्रिमाइंड किया जाता है, तब इसमें नेक्स्ट रूब्रिक आ जाता है, एलिमेंट्स फ्रॉम रेप्रिमाइंड्स। और फिर एक ऐसी अवस्था आ जाती है, फिर इनडिफरेंस टू ऑल रेप्रिमाइंड्स। अब उस रेप्रिमाइंड्स की तरफ ये ध्यान भी नहीं देता, ये बहुत ही अगली वाली स्टेज है। लेकिन उसके पहले ऐसे स्टेजेस है कि इसको ऐसे लगता है कि मैं जो कुछ आपके लिए इतनी अच्छी तरह कर रहा हूँ, आपका बिहेवियर भी वैसे ही होना चाहिए। ये आपको फॉस्फरस पल्सेटिला वाली स्टेज लगेगी, जो ये मेडिसिन भी माइल्डनेस में भी है, इल्डिंग में भी है, अफेक्शनेट भी है, अफेक्शनेट रिटर्न अफेक्शन में भी है। लेकिन जो ट्रैंक्विलिटी रिकंसल्ट टू फेट डिल्यूजन यूनिफिकेशन विद द हायर कॉन्शियसनेस में है, अवेयरनेस हाइटेंड में भी है, इसमें अगर ये सब रूब्रिक आप एक साथ करेंगे तो उसमें एक ही मेडिसिन मिलेगी, वो है पोडोफाइल। इसको कोई रेप्रिमेंड करता है तब ये अकेला रहना पसंद करता है, कंपनी एवर्जन टू अलोन एमिलरेशन में, इरिटेबिलिटी अलोन विशेष टू बी अलोन, स्पोकन टू बी एवर्जन टू विशेष टू बी अलोन। तब उसे कंपनी की ज़रूरत नहीं होती, बस मुझे अकेला छोड़ दो। अब इसमें और एक फैसेट है, जिसमें डिजायर्स ओपिनियन टू बी रिस्पेक्टेड, सजेशन विल नॉट एक्सेप्टेड। यानी इसको ऐसे लगता है कि मेरा जो मत है
वो आप रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। ये क्यों? क्योंकि इसमें रूब्रिक है पॉजिटिवनेस, हॉटी। मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही बराबर है, इसीलिए आप मैं जो कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ उसको आप वैल्यू दीजिए। जब वे वैल्यू मिलती नहीं है तब ये हर्ट हो जाता है। स्पेशली जब घर में ऐसे होता है तो ये ज़्यादा ही हर्ट हो जाता है। तब फिर इनडिफरेंस टू द फैमिली, इरिटेबिलिटी टूवर्ड्स फैमिली, इनडिफरेंस टू द हस्बैंड, इनडिफरेंस टू द सराउंडिंग, ऐसे रूब्रिक आपको इसमें मिलेंगे। जैसे हमने देखा डिल्यूजन यूनिफिकेशन विद द हायर कॉन्शियसनेस, यानी उस ब्रह्म चैतन्य के साथ मैं एक हो चुका हूँ, उस ब्रह्म चैतन्य के साथ मेरा मिलाप हो चुका है। तो ये जो अवस्था है ये मॉर्बिड अवस्था है, क्योंकि रेपर्टरी में हर एक रूब्रिक मॉर्बिड है। हम जब मेडिसिन देते हैं तब ये अवस्था बैलेंस हो जाती है, इसीलिए इसको बैलेंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है, यानी मॉर्बिड अवस्था प्राप्त हो जाती है, तब ये कितना भी बीमार रहे इसे ऐसे लगता है वेल सेज वेल व्हेन वेरी सिक, डिल्यूजन वेल ही इज, इनडिफरेंस टू द ऑर्डिनरी मैटर्स। तब कितना भी इनडिफरेंस टू द एडवर्स सर्कमस्टांसेस, कितना भी एडवर्स सर्कमस्टांसेस आ जाए, कितना भी मैटर ऑर्डिनरी रहे, ये उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, यही प्रॉब्लम होता है। हर एक जो आदमी सजग होता है वो हर मैटर पे बहुत ही अच्छी तरह ध्यान देता है। इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूब्रिक है निग्लेक्टिंग इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो ये जब ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है जो मॉर्बिड है, तब इम्पॉर्टेंट चीज़ों को भी वो निग्लेक्ट करने लगता है, और यही प्रॉब्लम वाली बात है। इस बात को, इस अवस्था को बैलेंस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए ऐसी जब अवस्था प्राप्त होती है, तब जब ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है तो ये अपने कर्तव्य के प्रति भी ये अनदेखा कर देता है। ड्यूटी एवर्जन टू ड्यूटी, ड्यूटी निग्लेक्टिंग हिज ड्यूटी, तो अपना कर्तव्य भी भूल जाता है। ये अच्छी अवस्था नहीं है, इसको ही हमें बैलेंस करना है। अब हम नेक्स्ट फैसेट देखते हैं। जैसे हमने रूब्रिक देखा ट्रूथ टेलिंग द प्लेन, ट्रूथ डिजायर्स ट्रूथफुलनेस, इतना ये सच्चा बंदा होता है तो इसको ये सच्चाई पसंद होती है, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो इसे अच्छा लगता नहीं है। बिना वजह कोई इसको डांट देता है, इरिटेबिलिटी रेप्रीमाइंड्स, सेंसिटिव टू रेप्रीमाइंड्स, तब इसे ऐसे लगता है कि मैं इतना ट्रूथफुलनेस से बिहेव करने के बाद भी, इतना अच्छा व्यवहार होने के बाद भी, जब कोई मेरे खिलाफ कुछ गलत चलत बात बोल देता है, कुछ उसको झूठी बात उसके कानों पे आ जाती है, ये हर्ट हो जाता है। इसीलिए इसमें रूब्रिक है इरिटेबिलिटी व्हेन हियरिंग लाइज, इंडिग्नेशन फ्रॉम मिसडीड्स ऑफ अदर्स, उसको गुस्सा आ जाता है जब कोई उसके साथ गलत व्यवहार कर देता है, इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट, और फिर इरिटेबिलिटी ट्रिपल सेट, सडन इरिटेबिलिटी इसमें आ जाती है। और इसीलिए ये बंदे बहुत बार हमें इरिटेबल नज़र आ जाते हैं। लेकिन हार्मनी रखने के लिए इरिटेबिलिटी और एंगर ये बहुत ही अलग अलग बात है, इसमें दोनों में बहुत अंतर है। एंगर में एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर एंड एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस, ऐसे दो ही रूब्रिक है। अब एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, यानी इसको एंगर तो आता है, लेकिन नेक्स्ट रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस, ये व्यक्त नहीं करता। एक्सप्रेसिंग डिजायर टू एक्सप्रेस, नेक्स्ट रूब्रिक एक्सप्रेसिंग कैनॉट एक्सप्रेस वन सेल्फ, यानी ये कर सकता है एक्सप्रेस लेकिन करता नहीं है। क्यों? क्योंकि हार्मनी डिजायर फॉर, क्लेश नहीं होना चाहिए, इसीलिए खुद को सेल्फ डिनाइल करता है, खुद की इच्छा दबा देता है, अपनी जो भी इच्छा है डिजायर्स नथिंग, क्योंकि उसको ऐसे लगता है मैं इस अवस्था में पहुंच गया हूँ जहाँ ये क्लेश
अशांति ये सब नहीं होनी चाहिए, और ये अबाधित रखने के लिए ये खुद को डिनाइल कर लेता है, आत्मत्याग कर देता है, खुद का दमन कर लेता है, और यही घातक चीज़ होती है। बहुत बार आप जब आत्मत्याग करते हैं बिना वजह से, जब आप जो जिस बात को बोलना चाहिए वो आप बोलते नहीं हैं, तब उसका विपरीत परिणाम आपके बॉडी पे होता है, और यही प्रॉब्लम पोडोफाइलम में होती है। पोडोफाइलम बेस्ट दवा है लूज मोशन की, लेकिन लूज मोशन का अगर आप साइकोडायनामिक देखेंगे तो उसकी पहली वजह ऐसी होती है कि इस व्यक्ति को कौन सा भी क्लेश पसंद होता नहीं है। जब बार बार क्लेश होने लगता है तो उस मरीज को लूज मोशन होने की तकलीफ हो सकती है। ये इसका पहला साइकोडायनामिक है। दूसरा इसका साइकोडायनामिक ऐसा है कि ऐसी बात ऐसे वातावरण में हजम होती नहीं है। वातावरण कैसा है? इम्पोर्टेंस वातावरण, यानी इसमें क्षमता ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर घर का माहौल ऐसा है कि हर टाइम झगड़े हो रहे हैं, घर में स्ट्रेस है, किसी को समझाने से भी कोई समझ नहीं रहा है, तो उस स्ट्रेस की वजह से इस आदमी को लूज मोशन की तकलीफ हो सकती है, क्योंकि ये वातावरण चेंज नहीं कर सकता, कोई चेंज होने को तैयार ही नहीं है, और यही बात इसको हजम होती नहीं है और फिर लूज मोशन चालू हो जाते हैं। तीसरा इसका साइकोडायनामिक ऐसा है, जब आदमी किसी को ना कह नहीं सकता, रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, स्टॉप नहीं कर सकता, तब लूज मोशन की शिकायत हो सकती है। बहुत सारे हम ऐसे आदमी देखते हैं जो किसी को ना कहते नहीं है, मन के खिलाफ जाके सेल्फ डिनाइल होके इल्ड होके वो बात को, सामने वाले की बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो इसको हजम होती नहीं है, और फिर लूज मोशन की शिकायत होती है। पोडोफाइलम बेस्ट दवा है। जब कोई भी पेट का इन्फेक्शन होता है और तब पेट में रमलिंग, गर्गलिंग, पेन होता है, ऐसे कि टच करे तभी भी ज़्यादा दर्द होने लगता है, डेवलप होने को लगता है, और फिर ये जो पेन है वो लूज मोशन होने के बाद ही थोड़ा रिलीफ मिलता है, ऐसा जो अवस्था है वो पोडोफाइलम का है। लेकिन उसके आगे जाके पोडोफाइलम की कैरेक्टरिस्टिक है जो पिक्यूलियर है, वो ऐसी है कि एक बार लूज मोशन होने के बाद फिर आदमी क्लोजेट से बाहर आ जाता है, वापस उसके पेट में मरोड़ना स्टार्ट हो जाता है, गुड़ 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 ऐसे आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन में ये एनिमल्स घूम रहे हैं या पॉन्ड में मछली है और वो यहाँ से वहाँ जा रही है, बीच में जंप कर रही है, ऐसा जो फीलिंग है, ऑल गॉन सेंसेशन जो फीलिंग है वो पोडोफाइलम में होती है। ऐसे जब गुड़ 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 वापस स्टार्ट हो जाती है तो टॉयलेट के लिए वापस भागना पड़ता है, स्टूल होने के बाद ठीक लगता है और फिर आदमी वापस बाहर आता है, वापस वैसी अवस्था वैसे ही स्टेट आ जाती है, आदमी को वापस वॉशरूम के लिए भागना पड़ता है। लेकिन जितने बार भी जाता है उतने बार ये जो लूज मोशन है वो भर भर के होते हैं। उस मरीज को ऐसे लगता है कि इतना पानी मेरे शरीर में से कहाँ से आ रहा है, ऐसे कि पूरा जो ब्लड वेसल है वो एब्डोमिनल कैविटी में ओपन हो रहे हैं और वहाँ से पूरा का पूरा जो पानी है वो बाहर निकल रहा है। अगर इसके स्टूल्स देखेंगे तो जैसे कांजी, मराठी में बोलते पेज, ऐसा उसका कंसिस्टेंसी होता है। ये राइस वाटरी स्टूल्स भी होते हैं। इस डायरिया से इसको इतना प्रोस्ट्रेशन आता है कि इसको ऐसे लगता है कि इस अवस्था में शायद मेरी जान चली जाएगी, इतनी ये बिकट अवस्था होती है। बहुत बार तो इस मरीज को लूज मोशन के साथ प्रोलैप्स ऑफ द रेक्टम भी होता है। बहुत बार ऐसे भी होता है कि स्टूल्स तो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं लेकिन वो बहुत ही स्ट्रेन करना पड़ता है, उसके बाद थोड़ा सा कुछ तो बाहर निकलता है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इसका और एक पिक्यूलर क्वेर रेयर सिम्टम ऐसा है कि
ये लीवर अफेक्शन में दिया जाता है और बाइल अफेक्ट होता है। इस मरीज को ऐसे लगता है कि मैं बाइल वोमिट कर रहा हूँ और बाइल नीचे से भी बहुत बाहर जा रहा है। और जब ये लीवर अफेक्ट होता है तब उसके स्टूल्स ये पेस्टी कलर के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, ऐसे जैसे कि इसका कोई भी मटका बना सकता है, कोई भी कुछ भी चीज़ बना सकता है, इतने ये पेस्टी उसकी कंसिस्टेंसी होती है। तो लीवर में या एब्डोमिनल विसरा में जब सोरनेस आता है तब पोडोफाइलम सबसे बढ़िया दवा है। लेकिन जब कॉन्स्टिपेशन रुक जाता है फिर डायरिया स्टार्ट हो जाता है, और डायरिया स्टार्ट होने के बाद जब डायरिया स्टॉप हो जाता है तब हेडेक हो जाता है, इतना कि पूरे बॉडी में का जो ब्लड है वो हेड में जमा होने लगा है, इतना हेडेक होने लगता है, और फिर हेडेक स्टॉप होता है, वापस डायरिया हो जाता है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। इसीलिए फियर स्टूल ऑफ इन्वॉलेंट्री स्टूल, फियर स्टूल ऑफ इन्वॉलेंट्री स्टूल, पासिंग ऑफ फ्लैटस और यूरिनेटिंग वेन, ये दो महत्वपूर्ण रोबे आपको पोडोफाइलम में दिखाई देंगे। पोडोफाइलम ऐसी एक मरीज को भी दी जा सकती है जो मरीज आजकल बहुत सारे बढ़ गए हैं, वो है इनफर्टिलिटी केसेस में। इनफर्टिलिटी में उस लेडी को लगता है कि अब मुझे बच्चे की ज़रूरत है, मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, मैं बैडली ईगरली मेरे बच्चे के लिए वेट कर रही हूँ कि कब मुझे बच्चा होगा। ऐसे जो ईगरली वेट करते रहते हैं, तड़पते रहते हैं बच्चे के लिए, उस मरीज को भी हम जब पोडोफाइलम देते हैं तब उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। यहाँ रूब्रिक है चिल्ड्रन डिजायर टू बेग इट एंड टू हैव अ चिल्ड्रन। वैसे ही पोडोफाइलम में लेजीनेस को लेके भी बहुत सारे रूब्रिक है। लेजीनेस पोस्टपोनिंग टू द नेक्स्ट डे, पोस्टपोनिंग एवरीथिंग टू द नेक्स्ट डे, ऐसे इनोआई लेजीनेस आफ्टरनून, ऐसे बहुत सारे रूब्रिक लेजीनेस को यानी कंटाला को लेके आपको इसमें दिखेंगे। लेकिन ये कंटाला इतने इंडस्ट्रियस व्यक्ति को आता क्यों है? क्योंकि जो भी कुछ करता है उसमें ये कभी सक्सीड होता नहीं है, सक्सीड नेवर। इतना सब करने के बावजूद भी जब फेल्योर आता है तब फिर इसमें वो कंटाला आ जाता है, और फिर हर बात वो अपने भाग्य पे छोड़ देता है, अपने भाग्य से समझौता कर लेता है, दैट इज रिकंसल्ट टू फिट, दैट इज, और फिर शांत हो जाता है, ट्रैंक्विलिटी रिकंसल्ट टू फिट। जैसे आदमी सोचता है वैसे ही उसकी ज़िंदगी में घटना घटती है, यानी जो प्रेजेंट प्रीडोमिनेंट परसिस्टेंट सोचता है वैसे ही होता है। ऐसे हमने बहुत बार बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में देखा हुआ होता है। ऐसी कुछ घटना पोडोफाइलम के बारे में भी हो सकती है। इसमें तीन बहुत ही महत्वपूर्ण रूब्रिक है जो हार्ट से रिलेटेड है, वो है डेल्यूजन, ही हैज़ हैविंग एन हार्ट डिजीज। सेकेंड, डेल्यूजन इज गोइंग टू हैव एन हार्ट डिजीज एंड डाई, और उसके वजह से उसके मन में फियर आता है, फियर ऑफ डिजीज ऑफ द हार्ट। ये तीनों रूब्रिक अगर एक साथ मिलाएंगे तो एक ही मेडिसिन आती है, वो है पोडोफाइलम। वैसे लीवर को लेके भी इसके मन में सेम विचार आते हैं, डिल्यूजन दैट ही विल हैव एन लीवर डिजीज। और जब ऐसे डिल्यूजन आता है तब फियर इन अफेक्शन ऑफ लीवर डिजीज, फिर लीवर का कुछ अफेक्शन आ जाता है, क्योंकि आदमी बार बार वैसे ही सोचने के बाद शायद उसमें ये लीवर का प्रॉब्लम आ सकता है, और जब आता है तब फियर आ जाता है, और उस फियर की वजह से इरिटेबिलिटी इन लीवर ट्रबल। ये तीनों रूब्रिक एक साथ मिलाएंगे तभी भी पोडोफाइलम ही आती है। आदमी जो कुछ करता है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह होती है, कुछ ना कुछ तो डेफिनेट कारण होता है, उसकी वजह से उसका वैसे रिस्पॉन्स होता है, वैसे रिएक्शन होता है, वैसे बिहेवियर होता है। तो पोडोफाइलम इतना एफेबल क्यों होता है? पोडोफाइलम इतना अफेक्शनेट क्यों होता है? पोडोफाइलम इतना ह्यूमिलिटी में क्यों होता है? पोडोफाइलम इतना वेनरेशन में क्यों होता है? पोडोफाइलम इतना रेवरेंस में क्यों होता है? पोडोफाइलम इतना प्लेफुल क्यों होता है? पोडोफाइलम इतना वाइवेशियस क्यों होता है? पोडोफाइलम इतना कम्युनिकेटिव क्यों होता है?
पोडोफाइलम इतना सोशल क्यों होता है? क्योंकि मैग्नेटाइज डिजायर टू बी, मैग्नेटाइजिंग अदर्स डिजायर टू बी, दूसरे मेरी तरफ आकर्षित हो, ये इसकी भावना होती है, ये इसकी इच्छा होती है। और वैसे ही इसकी दूसरी इच्छा होती है ब्यूटीफुल थिंग्स यर्निंग फॉर, इसके लिए ये छटपटाता रहता है। और तीसरी इच्छा हारमोनी डिजायर फॉर, और इसके लिए ये सेल्फ डिनाइल भी होता है, सेल्फ लेस भी होता है और इल्ड भी होता है। दिस इज पोडोफाइलम। मेरे ख्याल से बहुत सारे फैसेट इस वीडियो के माध्यम से मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश की, और भी फैसेट हो सकते हैं, और ऐसे ही फैसेट अगर आपको नज़र आए तो आप वीडियो के माध्यम से या हमसे शेयर कीजिए, जिससे होम्योपैथी बढ़ने के लिए बहुत मदद हो सकती है। ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।